सो हेलो एंड वेलकम गाइस। सो गाइस कैसे हो यार आप सभी लोग मेरे भाई। सो गाइस कमेंट करके आप सभी लोग सबसे पहले मुझे अपनी रैंकिंग बता दो यार, और आप सभी लोगों की रैंक पोस्टिंग कैसी चल रही है ये चीज़ भी मेरे को कमेंट करके बता देना। सो गाइस यार देखो आज के वाली वीडियो में थोड़े बहुत आपके जो कमेंट्स आते रहते हैं उनका जवाब देने वाला हूँ। सबसे पहले तो भाई बंदे बोलते हैं मेरे को कमेंट करके कि भाई मैं प्लस करता हूँ और फिर मेरा माइनस हो जाता है यार। तो गाइस और क्या होगा, एक बात आप खुद ही सोचो, मतलब और क्या हो सकता है। आप प्लस करते हो माइनस होता ही है, तो ये तो भाई पार्टी है रैंक पुश का, ये तो होना ही है भाई। आप प्लस करोगे और माइनस भी होगा ही होगा, बस आप इस चीज़ में क्या कर सकते हो, अपने आपको मोटिवेट रखो, होप मत छोड़ो, हार मत मानो। आपका कॉन्कर आराम से हो जाएगा, अगर आप कॉन्कर करना चाहते हो तो सीजन के लास्ट तक दिल से रैंक पुश करते रहो, आराम से कॉन्कर हो जाएगा। और दूसरी बात, बंदे मेरे को कमेंट करके बोलते हैं कि भाई मैं प्लस करता हूँ बहुत मेहनत से और भाई हैकर आकर के मार के चला जाता है और माइनस लग जाता है। तो भाई देखो हर कोई पहली बात तो मेहनत से प्लस करता है, पर भाई हर किसी का माइनस लगता है यार। देखो जब रैंक पुश करते हैं ना बंदे, तो हैकर तो आना नॉर्मल बात है, क्योंकि हैकर तो रैंक पुश करते हुए आएंगे ही आएंगे। तो ये बात को अपने दिमाग में डाल लो, बस आप यहाँ पर कर क्या सकते हो, थोड़ा बहुत टाइमिंग चेंज कर सकते हो, और ऐसा हो सकता है कि आपको कम हैकर मिले गेम के अंदर। तो मैं आपको टाइम बताता हूँ गाइस, देखो आपको जो है ना सुबह के 6 बजे से, या फिर जब भी आप सुबह के टाइम उठते हो ना 5 बजे के बाद, जब भी आप उठते हो आपको 9 बजे से पहले पहले गेम खेलना है। आपके गेम में भाई बहुत कम हैकर आएंगे, या फिर गेम में हैकर आएंगे ही नहीं यार, जहाँ तक मुझको लगता है। एंड गाइस सर एक और बात, आपको रात के 8 बजे के बाद गेम खेलना अवॉइड करना है, क्योंकि यार रात के टाइम आपको पता ही ज़्यादातर बंद जो हैकर्स रहते हैं उनको रात में ही ज़्यादातर हैकर्स आते हैं। अपने अगर गेम खेलते हो रात के टाइम तो आपको पता होगा, मैं भी कुछ टाइम पहले गेम खेलता था, पर लेकिन भाई हैकर जब आने लग गए ना, मैंने देखा भाई रात में हैकर मार के जा रहा है बार बार, तो भाई मैंने रात के टाइम गेम खेलना ही बंद कर दिया, क्योंकि मैं दोपहर में गेम खेलता हूँ अभी, और रात के टाइम जब भी गेम खेलता हूँ तो भाई माइनस एक ना एक बार लग ही जाता है मेरे को अच्छे से 30-35 का। तो कल रात भी लगा था वो मेरे को, और हैकर से ही मरा था मैं, 37 का माइनस लगा था मेरा कल रात। एंड गाइस यार देखो अभी कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ रात के टाइम ही टाइम मिलता है गेम खेलने का, तो भाई देखो यार उन बंदों के लिए कुछ नहीं है, बस एक ही छोटी सी बात है, आपको भाई एज टू एज गेम खेलना है, सर्कल में आपको सेंटर होल्ड करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी, आपको सिर्फ एज टू एज गेम खेलना है, और तभी भाई आप थोड़ा बहुत सर्वाइव करके प्लस निकाल सकते हो। क्योंकि यार देखो जब भी हैकर आता है गेम के अंदर तो भाई वो सीधा सेंटर होल्ड करने की कोशिश करता है, चारों तरफ बंदों को स्प्रे दे करके मारता है पागल टाइप। और अगर हैकर नहीं भी आएगा ना तो यार देखो सेंटर में ज़्यादातर जो भाई फुल डेयरिंग बंदे रहते हैं ना वो सीधा स्लैम कर देते हैं, सर्कल के जो मिडल में बैठे रहते हैं ना बंदे उनके ऊपर डायरेक्ट स्लैम कर देते हैं। और अगर जो अंदर बैठा है सो उनके बीचों बीच अगर वो बंदे आप हो तो भाई आपके एल लगेंगे, क्योंकि भर भर के स्लैमिंग आने वाले, आप 3 से 4 फाइट आराम से जीत साओगे, पर लेकिन भाई भारी सीन हो जाता है। आप हर एक फाइट सोलो रैंक पुश में नहीं जीत सकते, क्योंकि आपको पता ही है भाई बंदे काफ़ी अच्छा खेलते हैं सोलो रैंक पुश में, तो भाई इसलिए आपको एज टू एज गेम खेलना है। और फिर गाइस ये वाला गेम प्ले लास्ट तक देखते रहना, ये वाला गेम प्ले बहुत ही ओपी होने वाला है, और देखना बस लास्ट में क्या ही चिकन निकाला मैंने ये गेम में। एंड गाइस अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं कराया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और कोई भी बंदा नया है चैनल पर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो यार। और यहाँ पर एक बग्गी आती है, ये बग्गी वाले बंदे को इजीली मैं यहाँ पर फिनिश कर देता हूँ। उसके बाद तो यहाँ पर बंदे जोन वोन से भी मर जाते हैं, और यहाँ पर फिर बचते हैं लास्ट के 6 बंदे, और जो कि अभी कम होकर के 5 रह गए थे, और अभी यहाँ पर 4 बंदे लाइव थे। तो फिर गाइस देखो ये गेम में दिक्कत क्या थी ना, मेरे पास लूट की थोड़ी सी कमी हो रही थी, मेरे पास आप देख सकते हो ग्रोजा में भी 24 गोली है और M4 में भी 104 गोली है, और दोनों ही गन में भाई साहब एक भी एक्सटेंडेड मैग नहीं है, कोई भी एक्सटेंडेड मैग नहीं है। तो मैं पर सोच रहा था कि भाई जिस बंदे को मैंने मारा है ना, ये बंदे की तो पेटी मुझको लूटनी होगी कैसे ना कैसे करके, तो मैं उस जगह पर स्मोक कर लेता हूँ। और बंदे भी थोड़े बहुत ठीक ठाक या लाइफ थे, अभी जोन छोटा था तो मेरे को लग नहीं रहा था मेरे आसपास कोई होगा, इसलिए मैं वहाँ पर स्मोक करता हूँ, और यहाँ पर फुल बूस्ट करके अपने आप को सीधा उस बंदे की पेटी लूटने के लिए जाएंगे।
एंड गाइस यार यहाँ पर ये जो बंदा था ना, ये बंदे के अंदर से काफ़ी अच्छी खासी लूट मेरे को ये गेम में मिल जाती है। और फिर यहाँ पर 30 सेकंड रह गए थे जोन स्टार्ट होने में, तो यहाँ पर मैं पहले आपको अपने आप को बूस्ट कर लेता हूँ और फिर भाई साहब अपनी गाड़ी उठा करके जल्दी से निकलते हैं। ऐसे कभी किसी बंदे ने फालतू में ऐसे ही रैंडम फायर लिया और गलती से मेरे को टिंग टिंग हो गई ना, तो ये गेम मेरा ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर आता हूँ मैं, और अभी मेरे को जोनिंग भी करना था, तो मैं सबसे पहले तो भाई फुल बूस्ट ही कर लेता हूँ, क्योंकि ये गेम के बाद ये जितने भी सप्लाईज है ना अपने पास कुछ काम नहीं आने वाली। तो फिर यहाँ पर जोन स्टार्ट हो जाता है। एंड गाइस सर मैं यहाँ पर गाड़ी से थोड़ा सा अच्छे से कवर बना लेता हूँ। फिर उसके बाद सामने स्मोक हो रहा था और एक बंदा मुझे सांप बनता हुआ स्पॉट होता और ये बंदे को इजीली मैं फिनिश कर देता हूँ। फिर गाइस उसके बाद देखो यहाँ पर लास्ट के दो बंदे बचते हैं। अब सोचो आप लास्ट के दो बंदे कहाँ पर होंगे, जल्दी से सोचो और कमेंट करके अभी बताओ मेरे को। तो कोई बात नहीं यार, अभी आपने जो सोचा है वो मेरे को कमेंट करके बता दिया होगा जहाँ तक नहीं, जहाँ तक मेरे को लगता है। और अगर आपने कमेंट नहीं कराया तो जल्दी से कमेंट करो यार। और अब मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। ये जो मेरा क्राउच वाला बटन दिख रहा है ना, आपको इसके नीचे की तरफ देखना है, पूरा राइट साइड का जो व्यू है ना, आपको सिर्फ उस पर फोकस करना है। अगर आपको कोई बंदा स्पॉट होता है तो मेरे को कमेंट करके बताना। और भाई ये बात मैंने खैर लेट बोली थी, पर कोई नहीं, आपको साउंड भी आई होगी, ये बंदे ने जब मोली फेंकने की कोशिश करी थी मेरे ऊपर। फिर गाइस कोई नहीं, उसके बाद लास्ट का एक बंदा बचता है। और ये बंदे पर मैं सीधा पुश करके इस बंदे को इजीली फिनिश कर देता हूँ और ये गेम के अंदर अपना विनर विनर चिकन डिनर हो जाता है। सो गाइस आज का ये वाला गेम प्ले आपको कैसा लगा जल्दी से कमेंट करके बताओ। एंड गाइस नए चैनल पे सब्सक्राइब कर दो यार, यार 4K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो, क्योंकि C2S6 कंप्लीट होने से पहले मेरे को कैसे भी करके कुछ भी करके भाई 4K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। तो यार सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को, प्लस आप देख सकते हो।